इंदु, प्रियदर्शनी, इंदिरा, आयरन लेडी के नाम से पहचानी जाती थीं देश की पूर्व और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। शुरू शुरू में एकदम चुपचाप और कम बोलने वाली और गुमसुम सी रहने वाली इंदिरा को कुछ आलोचक गूंगी गुड़िया भी कहा करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद ये अपना सिक्का ऐसे जमाएंगी कि इनको इनके विरोधी नेताओं से आयरन लेडी और भारत की शेरनी जैसे टाइटल्स भी मिल जाएंगे। इंदिरा गांधी राजनीति में अपने कठोर मिजाज, कड़क फैसलों और चट्टानी इरादों के लिए जानी जाती थी, लेकिन उनकी इस पहचान से अलग एक दूसरा स्वरूप भी था, जिसमें उनके व्यक्तित्व की सौम्यता, स्नेह और नरम दिली छलकती थी। उन्हें भी यौवन की दहलीज पर किसी से प्यार हो गया था। आखिर कौन थे वो जनाब जिन्हें इंदिरा अपना दिल दे बैठी थी। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं वन इंडिया। इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व वेस्टर्न और मॉडर्न शैली का मिक्सचर था। अपने खास शॉर्ट हेयर स्टाइल और गॉगल्स पहने हुए वो आम तौर से भारतीय परिधान साड़ी में ही नजर आया करती थी। राजनीति के पुराने पत्रकार और पुराने नेता बताया करते हैं कि इंदिरा गांधी जब भी गुजरात जाती थी तो उनके सिर पर हमेशा पल्लू रहा करता था। वो खुद को गुजरात की बहू बताती थी। इंदिरा गांधी का विवाह दरअसल गुजरात के एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पति का नाम था फिरोज जहांगीर शाह। युवावस्था में इंदिरा गांधी को नौजवान फिरोज से प्यार हो गया था। दोनों ने विवाह का फैसला किया तो आगे चलकर परिवार ने इनकी शादी भी करवा दी, लेकिन प्यार से शादी तक का ये सफर इस लव बर्ड के लिए इतना भी आसान नहीं था। उस दौर की परंपराओं और प्यार मोहब्बत को बुरा समझने वाले जमाने में इनको भी खासी अड़चनों का सामना करना पड़ा था। इंदिरा गांधी जहां देश के एक रुतबेदार परिवार से आती थीं और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं, तो वहीं फिरोज एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। इनके पिता का नाम जहांगीर जबकि मां का नाम रतिबाई था। फिरोज गांधी के पिता जहांगीर एक मरीन इंजीनियर थे। वे चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह नौकरी पकड़ ले, लेकिन फिरोज गांधी का मन तो पहले ही देशभक्ति में रम गया था। वे अपनी पढ़ाई के दौरान ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। फिरोज का परिचय पहले पहल इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू से एक आंदोलन के दौरान ही हुआ था। एक सक्रिय कार्यकर्ता और जुझारू नौजवान फिरोज को कमला नेहरू बहुत मानती थी। इस तरह से इनके घर पर फिरोज का आना जाना भी शुरू हो गया था। इसी दौरान इंदिरा से उनका परिचय हुआ और फिर यह परिचय दोस्ती में बदल गया। इंदिरा और फिरोज मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे। उनकी नजदीकियां बढ़ी तो इस बात से कमला नेहरू नाराज हो गई। दोनों अलग अलग बिरादरी से आते थे। उस जमाने में अलग अलग बिरादरी में शादियों का उतना प्रचलन नहीं था, लिहाजा इस बात से सामाजिक बाधाएं सिर उठा सकती थी। लेकिन कहते हैं ना, जीत प्यार की होती है, और यहां भी ऐसा ही हुआ। दोनों परिवार मिले, आपसी सहमति बनी और तय हुआ कि फिरोज और इंदिरा का विवाह कर दिया जाए। इस तरह से दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इनकी दो संतानें भी हुई, राजीव गांधी और संजय गांधी। आगे चलकर इन दोनों के बच्चों ने भी लव मैरिज ही की। राजीव गांधी का विवाह सोनिया गांधी से हुआ तो संजय गांधी की शादी मेनका गांधी से हुई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।